नमस्कार, मैं सीमा कौशिक आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। आप सबको हैप्पी शिवरात्रि। और आज की जो रेसिपी है वो है फलाहारी रेसिपी, जिसे मैं किशमिश और मखाने से बनाने वाली हूँ रायता, जो कि आप व्रत में उपवास में भी खा सकते हैं। अगर आपके व्रत उपवास नहीं है तब भी ये रेसिपी आप बना के खा सकते हैं, बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती है। तो चलिए अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आधा कटोरी यहाँ पे मैंने किशमिश लिया है, अभी गैस को जला लिया है। गैस पे मैंने पानी रखा गर्म होने के लिए और एक बर्तन में मैंने किशमिश को डाल लिया है और इसमें गर्म पानी डाल दिया है मैंने, तो आधे घंटे के लिए रख देना है। आप चाहे तो रात को भी भिगो के रख सकते हैं, इस तरह थोड़ा घुमा दें ताकि किशमिश अच्छे से भीग जाए। इसके बाद में दो कटोरी मैंने मखाने लिए हैं, तो आप मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद में एक पैन रख दिया मैंने गैस के ऊपर और मखानों को पैन में डाल लिया है। साथ में एक चम्मच यहाँ पे मैं घी डाल रही हूँ और लगातार इस तरह चलाते रहना है। तो एक चम्मच घी में भी आप मखानों को अच्छे से भून सकते हैं, तलने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो 5 से 6 मिनट आपको लगेंगे, आँच आप बिल्कुल कम रखें और लगातार इस तरह चलाते रहें ताकि अंदर तक अच्छे से पक जाए, कच्चापन इनका बिल्कुल भी ना रहे। और बीच बीच में फिर आप थोड़ा चेक कर लें इस तरह, तो अभी नहीं टूट रहे हैं तो थोड़ा और हम सेकेंगे इनको, थोड़ा और भून लेना है। और बिल्कुल कम आँच मैंने कर रखी है, कम आँच पे इस तरह आपको लगातार चलाते रहना है। तो इस तरह मखानों को लगातार चलाती रही हूँ और बीच बीच में चेक भी करती रही हूँ ताकि पता रहे, और बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहना चाहिए। तो अच्छे से ये पक जाएंगे तभी हमें गैस को बंद करना है। तो अभी मैं गैस को बंद करने वाली हूँ। अच्छे से सिक गए हैं, एक थाली में मैंने निकाल लिए हैं, वापस थोड़ा चेक कर रही हूँ, देखिए अच्छे से टूट रहे हैं। और इसके बाद में यहाँ पे मैंने 800 ग्राम दही लिया है। दही आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर गाढ़ा दही है तो आप पानी की मात्रा ज़्यादा रख सकते हैं, अगर पतला है तो पानी कम डालें। तो यहाँ पे 1 गिलास मैंने पानी डाल दिया है। दही को अच्छे से थोड़ा फेंट के तैयार कर लेंगे ताकि दही के कांटे वगैरह ना रहे। और इसके बाद में सेंधा नमक डाल रही हूँ, अगर आप बगैर व्रत के बना रहे हैं तो सफ़ेद वाला डाल सकते हैं। 1/4 चम्मच लाल मिर्ची डाला है और 1/4 चम्मच ये सूखा पुदीना डाला है। इसकी जगह आप काली मिर्ची भी पाउडर डाल सकते हैं, लाल मिर्ची की जगह। और ये मैंने लिया भुना हुआ जीरा, जिसे मैंने तवा पे भून के पहले ही तैयार करके पाउडर तैयार करके रखा है। तो ये मैं यहाँ पे 1/4 चम्मच रायते में डाल रही हूँ। तो जीरे का अगर आप नहीं खाना चाहते व्रत में तो आप जीरा पाउडर ना डालें, और लाल मिर्ची नहीं खाते तो लाल मिर्ची भी ना डालें। इसकी जगह काली मिर्ची की मात्रा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अच्छे से थोड़ा फेंटने के बाद में अभी जो हमने मखाने तल के रखे हैं वो मैंने साथ में डाल दिए हैं, और थोड़ा वापस घुमा देना है ताकि मखाने दही के साथ में मिक्स हो जाए। इस तरह अच्छे से मिला देना है। तो ये अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है, और अभी साथ में हल्का सा पानी मैं और डालने वाली हूँ। तो पानी की मात्रा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी जो किशमिश है वो डाल देंगे, पानी से अच्छे से धो के निकाल के फिर मैंने डाली है और अच्छे से वापस मिक्स कर दिया है किशमिश को। और अभी ये मैंने बुरा शक्कर लिया है, आप पिसी हुई चीनी ले सकते हैं। तो चीनी या बुरा शक्कर आप डाल सकते हैं, मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर नहीं डालना चाहते तो आप ना डालें, अगर मीठा पसंद नहीं है तो आप ना डालें। और अच्छे से मिलाने के बाद में अभी हम ऊपर से थोड़ा सा इसको और सजा लेते हैं रायते को, ताकि देखने में भी अच्छा लगे और खाने में भी अच्छा लगे। तो इस तरह मैंने सूखा पुदीना डाला है, इसके बाद में भुना हुआ जीरा, और इसके साथ में लाल मिर्ची पाउडर डाल लेंगे इस तरह। तो ये देखने में भी और अच्छा लगेगा, खाने में ये बहुत टेस्टी स्वादिष्ट लगता है। और साथ में मैंने यहाँ पे हरा धनिया रख दिया है। तो ये हमारा रायता तैयार हो गया है। और अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, इसलिए मैं रायते को थोड़ा टेस्ट करने जा रहा हूँ, थोड़ा कैसा रायता बना है, सीमा जी को पता भी चलेगा और थोड़ा मुझे मजा भी आएगा, उसको देख के टेस्ट करके बताता हूँ। तो आपको भी ये वीडियो पसंद आया तो लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें।
कमेंट अवश्य कीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।